समझ आई एग्जैक्टली व्हाट ही सेड, और जिस जज्बात के साथ ये कह रहे हैं, डे वन से हम सारे ये बात समझ गए थे कि यार ये इश्यू क्या है, ये किधर का पैसा कहाँ लग गया है। मगर इस मुल्क की एक अक्सरियत है जो इसको इस तरह नहीं देखती, जो चाहे इंटरनेट से, आई टेल यू व्हाई, पीएमएलएन फॉलोअर्स, लवर्स, पीपल हु स्टिल बिलीव के भाई ये लीडरशिप की, वोटर्स जो है अभी भी गालियां पड़ती हैं हमें कि आप कौन हैं सवाल उठाने वाले, आप खुद लिफाफा जर्नलिस्ट हैं, आप खुद ये करते हैं। मैं पीएमएलएन के बहुत से सीनियर फेडरल मिनिस्टर्स प्राइवेटली मुझे कहते हैं साडा लीडर चोर है, कहते हैं प्राइवेटली, लेकिन उनमें इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है। आवाम की बात में कर लू क्या, आवाम को हम लोग कहीं ना कहीं समझाने में काफी रह बहसियत मीडिया के, यार ये तुम्हारे बच्चों के स्कूल से उनका मुस्तकबिल था। इसमें कोई शक नहीं कि जो हमारे मुल्क की आवाम है उनके ये इश्यूज नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और उनके इश्यू होने चाहिए थे, मैं पहले आपसे ये कह रहा हूं। लेकिन वो लोग डे टू डे अफेयर्स में इतने फंसे हुए हैं कि वो ये कहते हैं कि हमें पता है कि सारी की सारी शॉपें हमारी करप्ट है, इनकी करप्शन को एक साइड पर रख के फिर भी हम ये चाहते हैं कि एक्टिवली काम करते रहें। यही वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, आप देख लीजिए पिछले एक साल में उन्होंने हर इलेक्शन और इमरान खान साहब जो है वो बहुत कैंपेन चलाई उन्होंने करप्शन के खिलाफ, और उनका मैं समझता हूं स्टांस बहुत अच्छा है और उनको कामयाब भी होना चाहिए, लेकिन उनका मैसेज आवाम तक नहीं पहुंचा या आवाम ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, ये भी एक दूसरी रियलिटी है, दूसरी हकीकत है जिसे हमें तस्लीम करना पड़ेगा। और उसकी वजह आपके नजदीक ये है कि वो अपने मसाइल में इतने, उसकी वजह ये है कि उन्होंने आवाम ने ये समझ लिया है कि हमारे लीडर करप्ट ही होंगे सारे के सारे, इनमें से छोड़ जो थोड़ा सा बेहतर है उसको वोट देके सिस्टम को चलवाए, आपकी नजर में आ जाते हैं। बात यह है कि 94 की बात है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो के साथ स्विट्जरलैंड में था, वहां पे मुझे पता चला जो उनके हस्बैंड की मीटिंग्स हो रही है कुछ लोगों के साथ जो कि पाकिस्तान में कुछ सबमरीन्स बेचना चाहते हैं, फ्रेंच सबमरीन्स। तो मुझे वहां पे जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उसके कुछ सोर्सेज ने बताया कि चाइनीज की सबमरीन जो है वो सस्ती है और फ्रेंच की महंगी है, और ये कमीशन के चक्कर में ये आदमी जो है करना चाह रहा है। तो सिर्फ एक मिला तो मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, पाकिस्तान वापस आया, जब मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए।